मुझे मनमोहन सिंह से कोई विरोध नहीं है। इस सरकार देश के लिए बनी है, गिरा सकता तो गिरा होगा। सुब्रमण्यम स्वामी इट इज एन फेनोमेनन, कभी कभी वो मिसगाइडेड मिसाइल भी है, एक वन मैन आर्मी है जो डिस्टेबिलाइजेशन कर रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं करप्शन के इश्यूज में, जो दूसरे पार्टी नहीं कर रहे हैं। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है उनके बारे में कि आज क्या कर रहे हैं और कल क्या करेंगे। पॉलिटिकली रिहैबिलिटेट हो जाए, इसी फ्रस्ट्रेशन में नगरी नगरी द्वारे द्वारे सुब्रमण्यम स्वामी साहब घूम रहे हैं। वो पीछे पड़ेंगे, उसको हाथ धो करके पीछे पड़ते, पूरी की पूरी 2G का वो डॉक्टर स्वामी को ही देना पड़ता, क्योंकि आज नहीं है कल नहीं है, कम से कम 4-5 साल से वो पीछे पड़ करके आज कितना ऊंचा तक लेके आया। ना सुब्रमण्यम स्वामी मोठे वकील आहेत, ना कायद्याची कोणती मोठी डिग्री त्यांच्याकडे, पण असं असलं तरीही 2G प्रकरणामध्ये सुप्रीम कोर्टात त्यांनी बड्या बड्या वकिलांना जेरी झाडला। वैसे ही हूँ जैसे मेरी प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति है कि मैं मुझे जो जचता मैं पब्लिक को बोलता हूँ और मंथन से मनवाता हूँ, और मंथन से मैंने कई बातें मनवा ली है। स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचा वास सर्वात आधी आला तो सुब्रमण्यम स्वामींना। 2008 सुब्रमण्यम स्वामींनी पंतप्रधान डॉक्टर मनमोहन सिंग यांना या घोटाळ्याविषयी माहिती दिली होती, मात्र पंतप्रधानांकडून कोणतीच कारवाई झाली नाही, त्यामुळे स्वामींनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आणि पर्दाफाश झाला स्वतंत्र भारतातील सर्वात मोठ्या घोटाळ्याचा। वो डॉक्टर स्वामी को ही देना पड़ता, क्योंकि आज नहीं है कल नहीं है, कम से कम 4-5 साल से वो पीछे पड़ करके आज कितना ऊंचा तक लेके आए। स्वामी जी मागे हाथ धुन लगता पुरुण उठता आणि ज्यांचा साथ देता सत्तेच्या गादीपर्यंत नेऊन पोहोचवता। 2G स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात स्वामींच्या निशाण्यावर सर्वात पहिले होते ए राजा आणि त्यानंतर त्यांच्या निशाण्यावर होते गृहमंत्री पी चिदंबरम। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस इशू को DMK से लेके कांग्रेस में ले जाना चाहते हैं और वो ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ राजा और कानीमो जी से मामला खत्म नहीं होगा, इसको अंत तक जाना चाहिए, और वो जो प्रेशर है कैटालिटिक रोल सुब्रमण्यम स्वामी रोल प्ले कर रहे हैं। कम से कम 10 लोगों को पीछे पड़े थे, आर वेंकटरामन साहब को पीछे, करुणानिधि को पीछे, चिदंबरम साहब को पीछे, सबको पीछे पड़ता है साहब, लेकिन उसमें कामयाब तो होते हैं। मुझे ये भी डर है अभी मनमोहन सिंह साहब को छोड़ा है, ये UPA 2 को पीछे पड़ा है। ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है उनके बारे में कि आज क्या कर रहे हैं और कल क्या करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से उस तेज दिमाग का जो उल्टे डायरेक्शन में चलता है उसका घाटा देश को भी है, समाज को भी है और सुब्रमण्यम स्वामी साहब को भी। ज्या व्यक्ति ने 2G सारख्या मोठ्या घोटाळ्याच्या तळाशी जाऊन त्याचा पर्दाफाश केला त्या व्यक्तीच्या विरोधात वारंवार प्रश्न का उठवले जात आहेत, 72 स्वामींना अखेर काय सिद्ध करायचे आहे। वन मैन आर्मी है जो डिस्टेबिलाइजेशन कर रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं करप्शन के इश्यूज में, जो दूसरे पार्टी नहीं कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाके हल मचा दिया, ये पावरफुल पर्सन है, लेकिन लास्ट में मतलब जब एंड ऑफ द डे वेदर ही विल सक्सीड और नॉट, सफल होंगे या नहीं, उसमें एक बड़ा नोट ऑफ इंटरोगेशन अभी भी है। राजनीतिक व्यक्ति जो राजनीति में आना चाहता हो, राजनीति में रहना चाहता हो, अपना रिलेवेंस चाहता हो, उसको जब ये सही रास्ता नहीं मिलता है उनके गलत आचरण की वजह से, तो फ्रस्ट्रेट होकर के वो इस तरह का काम करते हैं जिससे वो एक कहावत है कि बदनाम जो होंगे तो क्या नाम न होगा, उसी को छेड़छाड़ करते हैं सुब्रमण्यम स्वामी से। आताच्या काळात स्वामींचे फक्त एकच ध्येय आहे, ते म्हणजे 2G स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील एक एक तार गोळा करून सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखाली चालणाऱ्या UPA सरकारचा बुरखा फाडण्याचं। मेरे पास ये ज्ञान है, मैं सरकार को गिरा सकता हूँ, इसका जब मुझे ठीक लगता है मैं करता हूँ। सुब्रमण्यम स्वामी जो कर रहे हैं
उसमें देर इज अ डिजाइन ऑल्सो, मतलब वो उसका एक पर्पस है कि जो करप्शन के इशू में ये सरकार ना रहे, वो भी वो चाहते हैं, लेकिन वो किसको पावर में लाना चाहते हैं ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि बीजेपी के साथ भी सुब्रमण्यम स्वामी का संबंध इतना मधुर नहीं है। पढ़े लिखे व्यक्ति को राजनीति में जब उनके अपने नेचर की वजह से उचित स्थान नहीं मिलता है, तो मैं समझता हूं कि सुब्रमण्यम स्वामी साहब एक फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति और दिमाग का नाम। सोनिया जी के बारे में सुब्रमण्यम स्वामी क्या क्या अभी कोर्ट में जाके भी बोल रहे हैं, उनके जो सिटीजनशिप, उनके जो प्रॉपर्टी एसेट, तो ये इतना तीखा जो आलोचना कोई नहीं करता है जो सुब्रमण्यम स्वामी करता है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी पहले दोस्त था। सोनिया गांधींवर स्वामींनी केलेल्या हल्ल्यानंतर कोणी विश्वास ठेवू शकेल की सुब्रमण्यम स्वामी एकेकाळी सोनिया गांधींचे निकटवर्ती होते? असं म्हटलं जातं की सुब्रमण्यम स्वामी हे अस्थिर स्वभावाचे आहेत, त्यामुळेच ते कधी सोनिया गांधी सोबत तर कधी आरएसएस सोबत असतात। सुब्रमण्यम स्वामी साहेब बहुत जल्द कुछ बन जाना चाहते और शायद इसी लालच में वो लोगों से सत्य हैं, नजदीक जाते हैं, और जब लगता है कि उनको उनकी इच्छा के अनुरूप नहीं मिल रहा है तो उसी तेजी से उससे अलग होकर के उसके खिलाफ हो जाते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी में आप जो कह रहे हैं कि एक इनकंसिस्टेंसी है लेकिन एक पावर भी है, मतलब सुब्रमण्यम स्वामी एक यूनिक कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ऐसे मैं देखता हूं। तो सुब्रमण्यम स्वामी में एक फोर्स है, ये मानना पड़ेगा। कभी कभी इसको नेगेटिव एनर्जी भी ज्यादा दिखाई देता है, ये भी सही बात है। डॉक्टर स्वामी अशा व्यक्तीं विरोधात तोफदाग करा दिसतात ज्यांच्या सोबत एकेकाळी त्यांनी वेगवेगळ्या सरकारांविरोधात आवाज उठवला होता। 1999 ची ती पार्टी कोणीच विसरू शकणार नाही, ती झाली होती सोनिया गांधी आणि तमिळनाडूच्या जगदंबा मानल्या जाणाऱ्या जयललिता यांच्यामध्ये, आणि या पार्टीचे सूत्रधार होते डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। संघ के साथ उनके जो रिश्ता है और दीनदयाल उपाध्याय जी के समय से सुब्रमण्यम स्वामी का जो रोल है, वो हम जब पुराने फोटोग्राफ देखते हैं सुब्रमण्यम स्वामी के और दिल्ली में, उसमें अजीब लगता है कि इस सुब्रमण्यम स्वामी के तो हम लोग देखे ही नहीं है। और संघ के साथ जो संबंध था वो बाद में बिगड़ गया और वो सुब्रमण्यम स्वामी संघ के खिलाफ हो गया, तो जहां से शुरू किए थे उनके खिलाफ गए। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को वित्त मंत्री बनाने के लिए जयललिता ने पेशकश की थी जो वाजपेयी साहब ने मना किया, इसी के लिए तो उनको दोनों वाजपेयी साहब सरकार को भी इन्होंने खटखटारे में खड़ा किया ना उन्होंने। या टी पार्टी नंतर जयललिता यानी अटल बिहारी वाजपेयी सरकारला दिलेला आपला समर्थन मागे घेतलं आणि त्यानंतर अटल बिहारी वाजपेयीची एक वर्ष जुनी सरकार धारांकन खाली पडली। असे म्हटले जाते की सुब्रमण्यम स्वामी यांनी अटल बिहारी सोबत असलेली आपली जुनी खुन्नस बाहेर काढली। बीजेपी बनी, वाजपेयी ने जाकर आरएसएस को कहा कि स्वामी आएगा तो मैं नहीं आऊंगा। अब क्यों कहा? कोई वाजपेयी को पूछता नहीं है, अब तो पूछ भी नहीं सकते हो, वाजपेयी को किसी ने पूछा नहीं। मैं नहीं था तो मेरे ऊपर सारा दोष, मुझे कोई परवाह नहीं है, दोष डालते रहो, कोई सुनता है? अमेरिकेच्या हॉवर्ड युनिव्हर्सिटीतून पीएचडी केलेल्या सुब्रमण्यम स्वामींना अटल बिहारी वाजपेयी यांनी पर्याय म्हणून जनसंघावर आणलं होतं। सुरुवातीला अटल बिहारी वाजपेयींनी सुब्रमण्यम स्वामींना पसंतीही दर्शवली होती, त्यामुळे 1974 मध्ये जनसंघातर्फे सुब्रमण्यम स्वामींना राज्यसभेमध्येही पाठवण्यात आलं। पण पुढे 1977 मध्ये सुब्रमण्यम स्वामी अटल बिहारी वाजपेयी यांच्याच मागे लागले। उस टाइम पर जो चाइना पॉलिसी के ऊपर वाजपेयी साहब से उसको मतभेद थे, प्लस उनको एमओएस फॉरेन ऑफिस को सत्ता देने वाले थे, उसको मना किया है डॉक्टर स्वामी ने, मैं ले लूंगा सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर, नहीं तो एमओएस स्टेट नहीं लूंगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं ले लूंगा करके उस जमाने पर दोनों को बीच में झगड़ा थे। तो सुब्रमण्यम स्वामी का जो अगर रोल देखे, वो रोल उसका जो इंडियन पॉलिटिक्स में वो एक नेगेटिव रोल लिए और वो कामयाब हुई, लेकिन उसमें बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन, रॉन्ग परसेप्शन, इसको भी यूज किया सुब्रमण्यम स्वामी ने। वाणीने पक्के असणाऱ्या स्वामींनी असंभव असणारी अशी अनेक कामं स्वबळावर पूर्ण केली।
जयप्रकाश नारायण यांनी केलेल्या क्रांतीनंतर ज्या जनता पार्टीला सर्वदल सोडून गेले त्या पार्टीची कमान स्वामींनी अजूनही आपल्या हाती कायम ठेवली आहे आणि त्याचं अध्यक्षपदही त्यांच्याकडेच आहे। पहले सिद्धांत में कोई अस्थिर है, स्थिरता है नहीं, पार्टी में है, मैं जनता पार्टी में सब छोड़ दी, सब मजाक करते हैं वन मैन पार्टी ये सब, तब भी मैंने जनता पार्टी नहीं छोड़ी। कौन सी बात मैंने छोड़ दी? अलायंसेस करने, अब देखिए डीएमके और कांग्रेस की अलायंस हो गई, और कब हुई? एक साल पहले सीताराम केसरी के जरिए उन्होंने इंद्र कुमार गुजराल की सरकार को गिरा दी कि ये राजीव गांधी की हत्या में इनके हाथ है, इसलिए इनके रहते हुए हम सरकार चलने नहीं देंगे, और दो साल के अंदर वो डीएमके के साथ अलायंस, उसके बारे कोई बोलता नहीं है। बीजेपी जयललिता के साथ थी, फिर करुणानिधि के पास गई, फिर वापस जयललिता के साथ आई, इसलिए तो वो आरएसएस को अट्रैक्ट करके आरएसएस में कम से कम पांचवा नंबर साठवां नंबर पर ये थे साहब ने आरएसएस हायरार्की में उस पुराने जमाने पर। ये सपोज आरएसएस में रह गए होते साहब बीजेपी में, अभी अद्वानी साहब को नेक्स्ट डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी माना जाते थे उस जमाने पर। 1975 मध्ये जेव्हा आणीबाणी लागू करण्यात आली तेव्हा सुब्रमण्यम स्वामींनी पूर्ण ताकदीने त्याचा विरोध केला। तत्कालीन शासनाने सुब्रमण्यम स्वामींना अटक करण्याचा निर्णय सुद्धा घेतला, मात्र तसं करणं कोणालाही शक्य झालं नाही। गुप्तचर विभागाला चकवा देत सुब्रमण्यम स्वामी आणीबाणीच्या काळात थेट संसदेतही हजर राहिले, मात्र त्यांना बाहेर येताना अटक करण्याचा डाव शासनाने जरी रचला असला तरी सुब्रमण्यम स्वामी हे कोणत्या रस्त्याने संसदेच्या बाहेर पडले हे आजपर्यंत कोणीही सांगू शकले नाही। इमर्जन्सी की घोषणा हुई थी तो मेरे नाम पर वारंट था, तो मैं भूमिगत हो गया था, और कई महीनों के लिए मैं सरदार बन के घूमता था, कोई मुझे पहचानता नहीं था। इमरजेंसी टाइम पर सरदार का पगड़ी बांध करके लोकसभा में अपीयर होने के बाद पिछले पतली गली से निकल गया साहब ने, उनको प्रेसेंस मार्क करना चाह रहे थे, इंदिरा गांधी लोकसभा में थी उस टाइम पर, मैं प्रेस गैलरी से देख रहे थे साहब बाहर जाने टाइम पर, वो उतना तेज दिमाग तो जरूर है। तशी वादा मध्ये राहायची सुब्रमण्यम स्वामी ना जुनी सवय, नुकताच त्यांनी एका वर्तमानपत्रा मध्ये लेख लिहिला होता एका संप्रदायाविषयी, आणि त्यात त्यांनी या समाजाच्या भावना भडकतील अशी विधाने केली होती। या प्रकरणी सुब्रमण्यम स्वामी विरोधात गुन्हा सुद्धा दाखल झाला। कोई राजनीतिक पहचान बनाने के लिए वो कभी कॉमनल बन जाते हैं, कभी सिक्योर बन जाते हैं, कभी जिनके साथ आज उनकी दोस्ती है उनको गाली देने लगते हैं, कभी जिससे आज दुश्मनी है उसकी तारीफ करने लगते हैं, तो वो फ्रस्ट्रेटेड हैं। वो एक प्राइवेट रेवोल्यूशनरी हुआ है, जो प्राइवेट रेवोल्यूशनरी जो हमारे सिस्टम को बदलने के लिए और बहुत सारे इश्यूज लेंगे, लेकिन उसमें कभी कभी उनके पर्सनल एजेंडा वो भी रहता है, और वो पर्सनल एजेंडा लेके वो चलता है और उसमें डिस्टेबिलाइजेशन आ जाता है। 1981 मध्ये सुब्रमण्यम स्वामींनी स्वतःच्या हिमतीवर चीनचे शासन अध्यक्ष डँग जियाबाओ यांची भेट घेतली। परमास चायनीज भाषेत बोलत वर्षानुवर्षापासून बंद पडलेली कैलास मानसरोवर यात्रा पुन्हा एकदा सुरू करण्याचा त्यांना आग्रह केला। चीनच्या शासनप्रमुखांनी देखील ही मागणी मान्य करत त्याच दिवसापासून ही यात्रा सुरू करण्याचे आदेश दिले। मग त्यानंतर सुरू झालेल्या यात्रेमध्ये पहिला यात्रेकरू होण्याचा मान स्वामींनी मिळवला। और मुझे तंग शाओपिंग जो उनके सबसे उच्च नेता हैं, जो किसी को ज़्यादातर मिलते नहीं हैं, और मैं सिर्फ अपोजिशन का एक एमपी था, तब मैंने बातों में उन्होंने एक कहा कि तुम अपने के लिए कुछ नहीं पूछा, तंग शाओपिंग ने कहा, तो मैंने कहा कि मेरा एक है, मैं बहुत पहले से कहते आया हूँ, आपसे तो नहीं कहा बल्कि तो अन्य नेताओं से कहा है, कि आपने कैलाश मानसरोवर को रास्ता को बंद करके रखा है, इसको आप खोल दीजिए। तो उन्होंने कहा कि इसमें तुम खुद जाओगे? मैंने कहा खुद जाऊंगा। अच्छा, एक शर्त पर मैं खोलूंगा कि तुम पहले जाओगे और मैं भारत सरकार को भी बता दूंगा। तो पहला जो गए थे अगस्त एंड में गए थे, बड़ी ठंड थी उस समय, पहला जो गए एक बैच गई थी 1981 में, वो मैंने नेतृत्व की थी, मेरे साथ 19 और लोग थे, और कैलाश मानसरोवर के दरवाजा खुलवाए।
स्वामी कुणासोबत केव्हापासून किती काळ मित्र आहेत, कुणासोबत केव्हापासून किती काळ शत्रू हे त्यांनाही माहीत नाही।